क्या अपर्णा यादव फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? फिलहाल सियासी गलियारों में यही टॉपिक चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। अपर्णा इस समय भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। उन्होंने साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। ढाई साल बाद बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो इस पद से खुश नहीं है। अपर्णा यादव इस पद से बेहद नाखुश नजर आ रही है। उन्होंने इसलिए अब तक पद भार ग्रहण नहीं किया है। इसी बीच अपर्णा की चाचा शिवपाल यादव और उनकी पत्नी से आशीर्वाद लेते हुए तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि यादव परिवार की छोटी बहू दोबारा सपा में शामिल होने का विचार कर रही है। बता दें कि अपर्णा समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव से साल 2012 में शादी की थी। आइए जानते हैं कि अपर्णा यादव के परिवार के बारे में सब कुछ। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता है। वह यूपी के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की छोटी बहू है। उन्होंने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव से साल 2012 में शादी रचाई थी। बता दें कि प्रतीक मुलायम के सगे बेटे नहीं है। प्रतीक के जैविक पिता का नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता है, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पहले पति थे। साधना से शादी के बाद मुलायम सिंह ने प्रतीक को अपने बेटे के रूप में अपना लिया था, हालांकि वह उनके जैविक पिता नहीं है। अपनी लव स्टोरी का खुलासा खुद अपर्णा यादव ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि प्रतीक और वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन कुछ स्कूल प्रोग्राम्स में दोनों की मुलाकात हुआ करती थी। दोनों की मुलाकात कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी, लेकिन जब अपर्णा को ये नहीं पता था कि प्रतीक मुलायम सिंह यादव की बेटे हैं। प्रतीक ने अपने प्यार का इजहार मेल के जरिए किया था, क्योंकि उस जमाने में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। साल 2001 में एक बर्थडे पार्टी में प्रतीक ने मौका पाकर अपर्णा से उनका ईमेल एड्रेस मांगा, और कुछ दिन बाद अपर्णा ने अपना मेल बॉक्स चेक किया तो उसमें प्रतीक का मेल था, जिसमें उनके लिए अपने प्यार का इजहार किया हुआ था। अपर्णा को भी प्रतीक पसंद थे और इस तरह दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। करीब 10 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2011 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर 2012 में धूमधाम से शादी रचाई। इस शादी में देश भर की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थी। बता दें कि अपर्णा यादव ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। वह एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी है। अपर्णा यादव ने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से 9 सालों तक शास्त्रीय संगीत में औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है। आप सभी अखिलेश यादव के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट के साथ।